position. Whoa. Strength. भारत की पहली फीमेल रेसलर कविता देवी ने अपने रेसलिंग के दम पर देश का नाम ऊंचा करने में कोई कमी नहीं रखी है। कविता देवी की पहचान दुनिया में एक ऐसे शख्स के तौर पर होती है जिन्होंने पहली इंडियन फीमेल रेसलर के रूप में WWE में हिस्सा लिया और अपने जज्बे और लड़ने की काबिलियत के बूते को साबित कर यह दिखाया कि भारतीय महिलाएँ किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। अब कविता देवी पर बहुत जल्द एक फिल्म बनने जा रही है। उनका जन्म हरियाणा के जींद जिले के एक छोटे से गांव मालवी में एक बेहद साधारण फैमिली में हुआ था। छोटी उम्र में ही वह प्रतिभावान थी। कविता के भाई गौरव ने उनको समझा और पढ़ाई के साथ साथ उन्हें वेट लिफ्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया। साल 2009 में आम लड़कियों की तरह कविता की शादी कर दी गई। 2010 में मां बनने के बाद उन्होंने खेल के मैदान से लगभग दूरी बना ली थी, लेकिन उनके पति ने उनका समर्थन किया और मैदान पर वापसी के लिए प्रेरित किया। कविता की मेहनत रंग लाई और एक लंबा संघर्ष करने के बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की। साल 2017 में उन्होंने WWE NXT को ज्वाइन किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। द ग्रेट खली को गुरु मानने वाली कविता की एक पहचान यह भी है कि वो सलवार कमीज में रिंग में उतरती हैं। दरअसल वह समाज को यह संदेश देना चाहती हैं कि भारतीय नारी किसी से कमज़ोर नहीं है। कविता अपने खेल के लिए राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी सम्मान से सम्मानित की जा चुकी हैं। एक एक्टिव रेसलर के रूप में उन्होंने लगातार अपने परिवार और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने खुद को न सिर्फ भारत से आने वाली पहली महिला प्रो रेसलर के रूप में स्थापित किया, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पावर लिफ्टिंग एथलीट भी बनी। उनके नाम दक्षिण एशियाई खेलों में 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक दर्ज है। कविता लगातार 4 बार सीनियर नेशनल चैंपियन और नेशनल गेम्स में चैंपियन भी रह चुकी हैं। कविता देवी की पूरी जिंदगी बेहद प्रेरणादायक रही है। जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने लड़ने का जज्बा दिखाया और कभी हार नहीं मानी।